नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी वन इंडिया न्यूज, आजाद भारत की आवाज। मैं हूं अरिशा सिद्दीकी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां मुजफ्फरपुर जिले के खबरा पंचायत में उप मुखिया अमित कुमार शर्मा की अध्यक्षता में वार्ड सदस्य पंच संघ जिला इकाई के बैनर तले एक सभा का आयोजन किया गया। इसमें तमाम वार्ड सदस्य उपस्थित हुए। जिला अध्यक्ष अमित कुमार तिवारी ने मीडिया को बताया है कि सभी वार्ड सदस्य का शोषण किया जा रहा है, हक और अधिकार से वंचित रखा गया है। वहीं उप मुखिया अमित कुमार शर्मा ने बताया कि वार्ड सदस्य होने वार्ड सदस्य को हीन भावना से देखा जा रहा है। हक और अधिकार के लिए चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा। इन लोग को जवाब देना होगा कि आखिर में वीडियो में ये सख्ती से आदेश नहीं दिए कि ठगने वाला आदेश दिए कि क्या किए। अब ये जाने, इनका पदाधिकारी जाने। हम लोग का मांग है, अगर सही मांग है तो हमको पूरा होना चाहिए। अगर सही मांग नहीं है तो हमको बता दे कि ये मांग आपका सही नहीं है, न्याय संगत नहीं है। बस यही हमारा उद्देश्य है और यही हमारा लड़ाई है और हम लोग आगे एकता बना करके हम लोग आगे लड़ाई लड़ेंगे। अमरेंद्र तिवारी, जिला अध्यक्ष, वार्ड सदस्य परिषद। वार्ड सदस्य का एक आप लोग इकाई बनाए हैं, तो क्या मुख्य उद्देश्य क्या है जो आप लोग इकाई बनाए हैं जिला में, क्या कुछ करना चाहते हैं, कैसे के इसको आप लोग? हम लोग जनप्रतिनिधि में चुनाव जीते, उसके बाद हम लोग शोषित वर्ग अपने आप को महसूस किए कि हम लोग का शोषण हो रहा है जी। तो हम लोग एक मंच पर आने का काम किए कि जिस अपेक्षा से पब्लिक हम लोग को वोट दिया है जी, उस अपेक्षा से हम लोग खड़ा नहीं उतर रहे हैं, क्योंकि हम लोग का शोषण हो रहा है। तो हम लोग संगठन तैयार किए कि संगठन के माध्यम से सरकार के द्वारा जो भी जनता के लिए आता है फंड, वह जनता तक पहुँचे और जनता का जो आवाज़ है वो हम लोग सरकार के यहाँ पहुँचाए। क्योंकि हम लोग बीच का कड़ी है, महात्मा गांधी पंचायती राज का इसलिए सपना देखे थे कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा तो जो भी वार्ड सदस्य को जो जानकारी होता है, मुखिया जी, सांसद, विधायक और मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को जानकारी नहीं होता है। तो लोकल गांव का सरकार बनेगा, गांव के लोग को, गांव के लोग जानता है किसको क्या कठिनाई है, वास्तविकता से रूबरू होगा और वह काम को करेगा। लेकिन हमको लगता है कि महात्मा गांधी के 30 जनवरी के जो मृत्यु हुआ था उसी के साथ पंचायती राज का भी मृत्यु हो गया, क्योंकि जिस सपना को महात्मा गांधी देखे थे उस सपना को ये लोग जो है ठंडा बस्ता में रख दिए। बात लंबा लंबा करते हैं लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं है। तो इसके लिए हम लोग संगठन तैयार किए हैं। हम लोग का जगाते जगाते जिला में 16 प्रखंड है, 16 प्रखंड में हम लोग जगा दिए। प्रदेश स्तर पर भी हमारा आंदोलन हो रहा है। इसके पहले भी हम लोग एक आधा महीना पहले हम लोग धरना प्रदर्शन किए थे और परिणाम भी बहुत अच्छा मिला है, क्योंकि वहाँ प्रतिपक्ष के नेतोड़े थे और हम लोग को जहाँ तक ले ध्यान है कि हम लोग को कामयाबी मिल रहा है और आगे भी कामयाबी मिलेगा। अभी जो है हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं, जन जागरण अभियान। हम लोग जो है 2-3 दिन के अंदर में हमारे विधान पार्षद दिनेश बाबू हैं, उनसे बात करेंगे कि हम लोग एक जिला में सम्मेलन करना चाह रहे हैं और हम लोग 11 विधायक, दोनों सांसद दिनेश सिंह के बुला करके और एक सम्मेलन, चाहे उसको महापंचायत कहिए, काहे कि पदाधिकारी के यहाँ हम लोग आवेदन देते देते परेशान हैं लेकिन पदाधिकारी नियमतः काम करने में असक्षम है। सबसे बड़ा दुख के बात हम कहना चाह रहे हैं, जो नहीं कहना चाहिए लेकिन भावना में हम कह रहे हैं, काहे कि हम लोग नेता नहीं हैं। जिला पदाधिकारी को हम लोग मई में आवेदन दिए थे, जिला पदाधिकारी पंचायती राज पदाधिकारी को आवेदन दिए और जिला पंचायती राज पदाधिकारी जो है सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को चिट्ठी नंबर 1651 और दिनांक 3/6/2022 को सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिए थे कि जिला अध्यक्ष जो चिट्ठी दिए हैं उसको जांचो उपरांत नियमानुसार कार्रवाई करे। लेकिन दुर्भाग्य की 7 महीना बीतने के बाद आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इसके एवज में हम लोग 23 तारीख को फिर जिला पंचायती राज पदाधिकारी को एक आवेदन दिए हैं कि या तो आप प्रखंड विकास पदाधिकारी को सख्त हिदायत दीजिए कि 8 दिन में नियमानुसार कार्रवाई करे, आ नहीं तो बड़िए पदाधिकारी से अनुशंसा कीजिए कि BDO साहब के विरोध में कानूनी कार्रवाई हो।
और नहीं तो आप पद छोड़ दीजिए। जब आपका बात जूनियर पदाधिकारी नहीं मानता है तो आपको उस पद पर रहने का कोई औचित्य नहीं है। और हम लोग ये भी दिए हैं कि 8 दिन के अंदर नहीं होगा तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। सदस्य के अमरेंद्र तिवारी जिला अध्यक्ष आपके यहाँ आए हैं, तो क्या लग रहा है उनकी विचारधारा से, कैसे आप बने, कैसे? हम लोग इनके विचारधारा से एकदम खुश हैं और ये जो भी बताए हैं वो सही सही सारा चीज़ है। वार्ड सदस्यों को हीन भावना से देखा जाता है और कहीं भी पंचायत हो या जिला में हो वार्ड सदस्य का कोई वैल्यू नहीं है। ब्लॉक पर भी जाने में कोई सही जवाब देने वाला वहाँ नहीं मिलता है। इसलिए हम लोग इनके साथ हैं, ये जहाँ जहाँ जाएंगे हम लोग इनके साथ चरणबद्ध तरीके से वहाँ वहाँ जाने के लिए और इस संगठन को मजबूत करने के लिए जो सेवा इनको देना होगा उसके लिए सर्वदा तैयार है। अपना परिचय दे दीजिए। अमित कुमार शर्मा, उप मुखिया, वार्ड सदस्य, वार्ड नंबर 8 खबरा। जिला में जो अमरेंद्र तिवारी जी हैं जो अभियान चला रहे हैं, आप भी वार्ड सदस्य, हाँ, तो कैसा लग रहा है, कहाँ कमी आपको? देखिए हमको कमी कहीं नज़र नहीं आ रही है। अगर ये अमरेंद्र जी जो हमारे जिला अध्यक्ष है वो जो अपना कार्यभार चला रहे हैं उससे पूर्ण तरह से हम लोग सहमत है कि सरकार हम लोग को ठगने का काम कर रही है। अब सरकार कह रही है कि पंचायत को हम स्मार्ट बना रहे हैं, पंचायत के लेकर के जहाँ और वार्ड को स्मार्ट बना रहे हैं, लेकिन वार्ड को इग्नोर कर रहे हैं। न वार्ड के सही से मानदेय दे रहे हैं, न पंच के मानदेय दे रहे हैं। अब बताइए 500 के मानदेय है, इस 500 के मानदेय से क्या होने जाने का है? न सरकार जो है कोई काम दे रही है, कोई भी चीज़ में सुबह सुबह जो है ना जनता जो है ना सोचता ना ज़्यादा चले जाता है उनको जगाने के लिए, जहाँ फलना काम ये करना है वो करना है, लेकिन सरकार उस पर कोई मतलब पहल नहीं कर रही है। और यहाँ तक ले देखा जाए तो सरकार जो है मतलब पूर्ण वार्ड सदस्य को जो है इग्नोर कर रहा है कि अभी तक ले 12 से 15 महीना हो गया, लेकिन न उसको एक महीने का मान दे दिया, न उसको कोई काम दिया। और सरकार कहती है कि नल जल हम बताइए नल जल में जो है ना बहुत सारे वार्ड गलत भी किए हैं, ऐसा कोई मानना नहीं है, लेकिन गलत किए किसी न किसी के ऊपर, वो खुद के गलत नहीं किए हैं, किसी न किसी लोग के मतलब बहकाव में आकर के गलत किए हैं। लेकिन बहुत ऐसा वार्ड सदस्य है, अब देखिए हमारे जो है आपको 30,000 बिजली बिल गिरा हुआ है, उनको बराबर हम पंचायत समिति पंचायत सदस्य सचिव बोलते हैं जैसे हमारा बिजली बिल का कम से कम जो है आप वहन करवा दीजिए, वो कुछ नहीं बताते हैं। बार बार हम लोग को कहते हैं कि वसूली कीजिए। वसूली हम किस बात को करेंगे, हम सरकार का नौकर तो नहीं है, हम जनता के नौकर हैं ना, जनता जो कहेगी सो ना करेंगे हम। ये अभियान आपका जारी रहेगा? एकदम जारी रहेगा। अगर ये अभियान देख लीजिएगा एक समय ऐसा आएगा कि हम लोग सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देंगे, ये बदनामी के मोटरी हम लोग नहीं ढोने वाले हैं और नहीं ढोएंगे। क्यों ढोएंगे भाई, सरकार हम लोग इग्नोर कर रही है, सरकार कहूँ लगा नहीं रही है और कोई तरह के हम लोग का योजना से अलग कर दिया। ये नहीं मांग करते हैं कि जहाँ हमको योजना दीजिए, लेकिन हमारे वार्ड में काम तो करिए ना, वो हमारे वार्ड में काम भी नहीं हो रहा है। हम जनता हमको खुद कहता है कि भाई काम दीजिए, हम काम कहाँ से दे, जनता हमको कोई ना कोई मकसद से चुना, उस मकसद को हम पूरा नहीं कर रहे हैं तो हम उनको इस्तीफा देंगे, सामूहिक इस्तीफा देंगे। हम वार्ड सदस्य 11 खबरा पंचायत राज मुन्ना दास मुजफ्फरपुर से, अभय कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और आगे हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।